गोसा 17231 गन्ना प्रजाति की लंबाई कितनी है? तो देखिए हमारे प्रगतिशील कृषक जोशन साहब हैं, नाप रहे हैं। और ये 15 मार्च का गन्ना बोया है। मैं फिर एक बार आपको अवगत करा दूं कि प्याज बुआई कर रहे हैं। बारह फिट का गन्ना है ये, 15 मार्च का बोया गन्ना। और गोला सहित अगर आप अनुमान लगाएंगे तो 16 फिट का करीब होगा। इस समय मैं आया हूँ ये ग्राम जिला का जोशन फार्म, गन्ना विकास परिषद गुदरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर गुरदीप जोशन जी। आज यहाँ बुआई हो रही है, तो हमने कहा कि कुछ किसानों को दिखाया जाए नई गन्ना प्रजाति कैसी चल रही है। और ये नई प्रजाति की बुआई कर रहे हैं, तो अभी इन्हीं से पूछ लूंगा कि कौन सी गन्ना प्रजाति है और कब की ये बोई है जो बो रहे हैं ये सर। तो आप बताइए जोशन साहब। हाँ जी, ये कौन सी गन्ना प्रजाति है जो हम लोग हाथ में पकड़े हुए हैं? ये 17231 है जी, कोसा 17231। कोसा 17231, ये जो गन्ना आप बो रहे हैं ये आपके खेत में कब का बोया है? ये सर लगभग 15 मार्च के खेत का है। 15 मार्च का ये है ये गन्ना, आप देख लीजिए। और इस गन्ने की लंबाई अभी नाप रहे थे आप, एक बार फिर नाप दीजिए। 12 फुट है जी। हाँ, एक बार नाप दीजिए, हम लोग भी नाप देता हूँ ताकि भाई आप लोग जाने। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी, 8, 4, 12 जी। हाँ जी, 12 फिट है इस गन्ने की लंबाई, 12 फिट है, आप देख रहे होंगे। इस गन्ने की बुआई हो रही है, कोसा 17231 गन्ना प्रजाति है, 15 मार्च का ये बोया है, जिसका बीज प्रयोग कर रहे हैं अक्टूबर बुआई में। और मैं बार बार कहता हूँ कृषक बंधुओं से कि आप बीज गन्ना बोइए, गन्ना न बोइए। बीज गन्ना का मतलब है अधिकतम 10 महीने की फसल, 8 से 10 महीने की फसल। अगर आप 6 से 8 महीने की भी बुआई करते हैं बीज, तो सबसे परफेक्ट वही माना जाता है। जर्मिनेशन बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऊपर से 2/3 या 1/3 की बुआई करिए, तो जब आपका गन्ना 6 से 8 महीने का होगा तो अपने आप वो कच्चा गन्ना हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिए इसीलिए मार्च का ये बीज है, 15 मार्च का, और इस समय ये बुआई कर रहे हैं। और इसकी उम्र कितनी हुई होगी? मार्च में बोया गया तो अप्रैल एक महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का है ये। हाँ जी, 7 महीने। ये 7 महीने का बीज है जो प्रयोग हो रहा है। मैं बाकी कृषक बंधुओं से भी कहता हूँ, जब आपको बोना हो ज्यादा तो मार्च में गन्ना बो दीजिए, अक्टूबर में अगर आपको प्रयोग करना है कोई दिक्कत नहीं, प्रयोग कर लीजिए। हाँ जी, कोई। तो आप जोशन साहब बताइए ये कितनी दूरी पे आप बुआई कर रहे हैं? ये लगभग 3.5 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी जी। ये इस नाली से इस नाली के बीच की दूरी जो है 3.5 फीट है, 42 इंच से कम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और ये इसी को असली ट्रेंच बोलते हैं। हाँ जी, सही। और इसमें देखिये ऐसे टुकड़े रखते, जरा दिखा दो कैसे रखते हैं। दो आग के हैं जी, दो आग के टुकड़े हैं। हाँ जी। और देखिए इस तरीके से ये नाली में रखते हैं, देख रहे होंगे, जैसे सीढ़ी नहीं होती, जिसके सीढ़ी के डंडे होते जैसे चढ़ते वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वैसे। तो ये इस तरीके से ये बुआई कर रहे हैं, देखिए क्योंकि फुटाव ज्यादा करते हैं। इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको थोड़ा दूरी पे रखना है। हाँ जी, वैसे इसका जो वैज्ञानिक संस्कृति है इस विधि की, एक रनिंग मीटर में, अच्छा, जैसे एक मीटर का हम अगर डंडा डाल दें ऐसे, अच्छा, तो उसमें 8 से 10 टुकड़े होने चाहिए। अच्छा, यानी 16 से 20 गांठें एक मीटर में। अगर हम इसको नाप लें किसी से, जैसे यहाँ से एक मीटर ये हो जाए, इतनी दूरी पे 8 टुकड़े चाहिए जी। तो 8 से 10 टुकड़े चाहिए। मोटी गन्ना प्रजाति है तो 8 से 10 डाल दीजिए। अगर कोई ज्यादा फुटाव करने वाली है तो आप 6 से 8 या 5-6 भी डाल, वही घटा लिया जाए। तो प्रजाति के फुटाव के अनुसार आप थोड़ा इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे 14201 है तो उसमें आपको 8 से 10 न डाले, 6 से 8 या 5-6 में बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाए। और इसमें भी वही काम हो जाएगा क्योंकि फुटाव ये भी बहुत करती है। तो ये ट्रेंच बीच से गन्ना बुआई हो रही है जो की नई गन्ना प्रजाति है और बढ़ती बहुत है गन्ना प्रजाति। जोशन साहब, आपको इस प्रजाति में अच्छा क्या लगा? एक तो इसकी स्किन देखिए टाइट है। अच्छा, हाँ जी, वो भी है सर। और इसमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। हाँ जी, स्प्रे इसमें तो दो ही की गई जी, ज्यादा स्प्रे आप कर रहे हैं, दो ही कम की गई, दो ही की गई और बहुत कम लागत में बहुत कम। अच्छा उत्पादन देने वाली गन्ना प्रजाति है।
अभी आपका जो मार्च का गन्ना लग रहा है, मुझे लग रहा है बीघे में 100 क्विंटल से कम नहीं निकला। हाँ जी, इतना तो निकल आएगा जनता। तो आप समझिए 15 मार्च की बुआई है और ये बीघे में 100 क्विंटल से कम नहीं निकलेगा, एकड़ में यानी 500 क्विंटल। वीडियो में आपको वो भी देखने को साथ में मिलेगी। हाँ जी, ये तो इसकी बुआई हो रही है और जो गन्ना खड़ा है जिसे बीज आ रहा है वो भी खेत आपको साथ में देखने को मिलेगा। हाँ, तो एक तरफ आप बुआई देख रहे होंगे पट्टी में और दूसरी आपको वो भी दिखाएंगे जो मैं कह रहा हूँ कि 100 क्विंटल बीघा जरूर निकलेगा। 15 मार्च का बोया है। हाँ जी, निकल जाएगा। सारे चीजें साथ में ही दिखा दूंगा। दो लाइनें सरसों की भी देंगे। मशीन अपने पास है? हाँ, आपके पास मशीन है। 1.5 से 2 किलो बीज लगेगा एकड़ में अगर आप मशीन से बुआई करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो साथ में उधर किनारे, हाँ, एक किनारे हो जाएगी। हाँ, तो करीब 1.5 फीट की दूरी सरसों की दो लाइनों के बीच में भी हो जाती है। हाँ, उर्वरक वगैरह जो, हाँ, जी, आगे आगे वो सुपर थोड़ी डाल दे रहे हैं, वो चले आगे आगे डाल देते हैं। हाँ, लाही में काम आ जाते जैसे, हैं जैसे। हाँ, आगे डाल देते हैं, बंद होते हैं अंदर। हाँ जी, लाही के लिए सुपर डलवा रहे हैं भाई साहब। लाही के लिए सिंगल सुपर फास्फेट डलवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सल्फर भी होता है तराई में। हाँ जी, यहाँ चूंकि नमी ज्यादा रहती है में, तो तराई में सल्फर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है भाई साहब। 1.5 बोरी में वो कोट कर तो लिया अगर, हाँ, 1.5 बोरी में, अच्छा, हाँ, कोट कर लेते 3 किलो। तो करीब करीब एकड़ में आप 5-6 किलो सल्फर भी आप यहाँ डाल सकते हैं। हाँ जी, पड़ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि तराई में नमी ज्यादा रहती है, मेरा कहने का मतलब ये है। और जब SSP का इस्तेमाल करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में, तो उसमें कैल्शियम भी होता है, वो भी मिलता है, आपका सल्फर भी मिलता है और फास्फोरस तो आपको मिलता ही है। हाँ जी, तो इसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप एकड़ में ठीक ढंग से प्रयोग करें, तो एकड़ की डोज अगर SSP यूज कर रहे हो 3 बोरी सुपर सिंगल सुपर फास्फेट 15 किलो और 25 किलो पोटाश और 25 किलो यूरिया, अच्छा, इतना इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो वैज्ञानिक संतुति है इसमें सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में, तो ये आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुआई हो रही है। और सबसे अच्छी बात देखिए, ये जो टुकड़े इनके हैं, ये दो आंखे हैं। हाँ जी, दो आंखे ही है जी। देखिए, तीन का कोई नहीं है, सारा दो के ही है। कोई तो दो के एक हो सकता है। अच्छी गन्ना प्रजाति है, बहुत कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाली गन्ना प्रजाति है। अभी मैंने जब एक दो कृषक बंधुओं से बात करते हैं तो कहे साहब पतली है, आप गन्ना कोई लगाते हैं तो उसमें मान लीजिए कोई फुटाव देती है 3 से लेके 4। हाँ जी, मोटी मोटी प्रजाति होगी तो फुटाव कम देगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अगर पतली होगी तो वो करीब 7-8 गन्ने बन जाएंगे, तो औसत तो आपका वही है। हाँ जी, वो नीचे घना हो जाने के बाद पतला रहता है, वही है। हाँ जी, तो आपका उत्पादन ऐसा नहीं कि पतली उत्पादन नहीं दे सकती है। तो ये बहुत अच्छी प्रजाति है, कृषक बंधु एक बार बोएंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा उत्पादन देगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15 मार्च की भी देख लीजिए, 100 क्विंटल बीघा में देगी। हाँ जी, हाँ, तो हाइट देख लीजिए, ठीक है भाई जोशन साहब, ठीक है। अभी आपका ट्रैक्टर दिखा दे, इधर आइए, ये देखिए भाई इनका ट्रैक्टर जरा देख लीजिए, बहुत जंबो जी ट्रैक्टर है जोशन साहब। हाँ जी, हाँ जी, ये ट्रेंच है जिससे ये नाली निकाल रहे हैं, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, कम ज्यादा कर लेते हैं, चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और 90 सेंटीमीटर पे भी हो जाएगा। तो ये चौड़ा वाला है, देखो ये चौड़ा वाला फाल है, असली ट्रेंच इसी को बोलते हैं, ये देखिए, ये और ट्रैक्टर भी देखिए कितना जबरदस्त है ये। ये ट्रैक्टर भी देख लीजिए, पिछली बार लगता है आपने खरीदा है। हाँ जी, हाँ, कितना पावर है इसका? ये वैसे तो 50 हॉर्स पावर है, 50 हॉर्स पावर का है। नाम क्या है इसका? कबोटा। अच्छा, कबोटा है। हाँ, तो देखिए खेती भी अच्छी करते हैं तो यंत्र भी अच्छे अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ, और अभी समय समय पर जब ये इसमें सरसों बो जाएगी और इसका अंकुरण हो जाएगा तब भी मैं आप लोगों को फॉलो अप करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। हाँ जी,